Mexico, killing the kilometers with my Dominar. गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के कुछ 7 बज रहे हैं और अगेन ये एक नेक्स्ट व्लॉग है जो मुंबई से लेके इगतपुरी से लेके सॉरी नासिक से लेके इगतपुरी से लेके मुंबई तक का रहेगा। अभी फ़िलहाल मैं रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद यहीं पे होटल में जो है वो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट रहेगा और फिर हम लोग यहाँ से मूव करेंगे। एक्चुअली होटल काफ़ी अच्छा था, लोकेशन जो है वो तो आपने ऑलरेडी देख लिया कि हाईवे के पास में ही है और कल मेरे सब्सक्राइबर्स आए थे उनसे मिलके अच्छा लगा। कुछ हम लोग ने कुछ 2-3 घंटे साथ में स्पेंड किए, उनके कुछ डाउट्स थे वो भी सॉल्व किए और उन्होंने भी इंजॉय किया। दैट्स इट। अभी उसके बाद थोड़ा आवाज़ बैठ गया क्योंकि बहुत ठंडा था, एसी चालू था उसकी वजह से। तो मैं मिलता हूँ आपसे फ्रेश होने के बाद। दोस्तों अभी मैं रेडी हो चुका हूँ नहा के और अभी कुछ 8 बजने वाले हैं और साथ में ही मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है। बेड विद ब्रेकफास्ट था और ये 1200 रुपये में था तो काफ़ी अच्छा था। अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद सब चीज़ पैक करके मैं यहाँ से निकलूँगा टू द इगतपुरी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे, बैग पैक हो चुका है, बैग एक मैंने पीछे पहना है और ये था होटल सहारा इन और अभी यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं तो सीधा जाके इगतपुरी रुकना है। गणपति बाप्पा मोरया, एक घंटा बता रहा है गूगल मैप यहाँ से। डेंजरस रन था, कुछ 30 मिनट्स के अंदर मैंने 48 किलोमीटर्स के आसपास ट्रैवल किया गूगल मैप के अकॉर्डिंग। मज़ा आ गया। अब यहाँ से इगतपुरी ज़्यादा दूर नहीं है, ओनली 14 किलोमीटर्स एंड वो व्हाट अ रन। अगर आप लोगों ने भी ऐसा कोई चीज़ किया रहेगा तो प्लीज़ नीचे उसका लिंक पोस्ट कर देना, मज़ा आएगा देखने में। अब यहाँ से हाईवे छोड़कर, हाईवे वहाँ पे है, इंटरनली इगतपुरी के अंदर जाना है। आई थिंक सो वी आर इन इगतपुरी। यहाँ से सामने है। दोस्तों आपको मैं मिलता हूँ थोड़े अपने काम होने के बाद यानी वेडिंग के बाद। तो दोस्तों मेरे दोस्त का वेडिंग हो गया और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ गूगल मैप के अकॉर्डिंग कुछ 2 hours and 6 minutes लगेंगे पहुँचने के लिए। नाउ लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि रोड कहीं पे ख़राब नहीं हो।
गूगल मैप के हिसाब से कुछ 2 घंटे बता रहा था, 2 घंटे और 6 मिनट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था घर पे पहुंचने के लिए। 4:10 हो रहे हैं और मैं मेरे घर के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुका हूँ। लाइक अभी सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस रहेगा, तो किलिंग द किलोमीटर्स विथ माई डोमिनार। फाइनली अभी मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, ये थाने हैं और यहीं से मेरा घर बहुत नज़दीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर इसमें कुछ कमी रह गई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, और कुछ और सजेशन और टिप्स रहेंगे मेरे रिगार्डिंग तो वो भी कमेंट कर देना।